नमस्कार, मैं हूं मालविका और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। चलिए नजर डालते हैं आज के दिन भर के कुछ मुख्य खबरों पर। मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से पालित। सिलीगुड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर नॉर्थ बंगाल मराठा सेवा संघ द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। दो बेटियों के साथ पत्नी लापता, परिवार की तलाश में भटक रहा पति, फूलबाड़ी अंबिका नगर इलाके की घटना। सिलीगुड़ी के भक्ति नगर थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी के टोटो के साथ दो आरोपी को किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने फांसी देवा में आयुष मेले का किया उद्घाटन। राजगंज में 35वीं राजगंज ब्लॉक भवैया संगीत प्रतियोगिता का आयोजन, विजेताओं को किया जाएगा पुरस्कृत। सिलीगुड़ी शहर संलग्न बारी भाषा इलाके में 1.5 महीने के बच्चे की मौत, माता पिता पर लापरवाही का लगा आरोप। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक हार्डवेयर दुकान में छत का टीन काट कर की गई चोरी, भक्तिनगर थाना में मामला दर्ज। एसटीएफ ने तस्करी से पहले बंधुनगर से क्रूड ब्लैक कलर हेरोइन के साथ 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, जलपाईगुड़ी अदालत में हुई पेशी। सिलीगुड़ी के 1 नंबर वार्ड अंतर्गत गेट बाजार जंक्शन इलाके में दिखे तेंदुए के 2 शावक, वन विभाग की गश्त जारी। वही तेंदुआ देखे जाने की खबर पाकर 1 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद संजय पाठक भी इलाके में पहुंचे। राजगंज के हाथी मोड़ संलग्न इलाके में हाथियों ने किया हमला, दहशत में नजर आए लोग। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे सिलीगुड़ी टाइम्स।